सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और मैं हूँ ऋषि, आज लेके आ गया हूँ आपके सामने NS200 BS6 वेरिएंट। भाई ये थोड़ी मॉडिफाइड है, देखो थोड़ी नहीं कुछ ज़्यादा ही मॉडिफाइड है। ये अपने भाई की है जो मेरी RS का वीडियो बना रहे हैं, उधर दूर में देखो दिखेंगे तो। और भाई ये कोई नॉर्मल NS200 नहीं है, आपको देख के लग ही रहा होगा भाई मॉडिफाइड है, जिसको बोलते हैं ना हम लोग फुल्ली मॉडिफाइड, वैसा ही कुछ। गाइस पहले आपको इसका लुक्स दिखाता हूँ, फिर आपको दूसरी चीज़ें बताऊँगा इसके बारे में। जो इसका बाहर से मॉडिफिकेशन दिख रहा है वो तो है ही, लेकिन अंदर से भी कुछ कुछ काम हुआ है इस गाड़ी में, मैं आपको दिखाऊँगा और सुनाऊँगा भी। भले इसमें एग्जॉस्ट नहीं लगा है, लेकिन आपको पता चलेगा थोड़ी देर में कि किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। तो गाइज़ आपको कैसी लग रही है ना, इसमें को कमेंट पे ज़रूर बताना। और तो गाइज़ इस वीडियो का मेन बनाने का मकसद ये था कि क्या आपको NS200 लेना चाहिए, BS6 या BS7 वेरिएंट। वैसे तो BS6 और BS7 में कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं, मैंने चलाया है BS7 भी, तो मेरे को तो सेम ही लगता है BS6 और BS7। हाँ BS6 और BS4 में बहुत अंतर है, अभी BS4 भी आ ही रही है, उस टाइम आपको दिखाऊँगा उसको। तो मेन बात ये थी कि आपको NS200 लेनी चाहिए कि नहीं। गाइज अगर सच बताऊं, अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आपको सबसे बेस्ट बाइक चाहिए तो NS200 से अच्छी और कोई बाइक नहीं हो सकती, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ आपका लुक्स 10/10, आपका माइलेज भी अच्छी दे देती है, और उसके बाद आपका पावर तो है ही भाई, पावर तो आपने सबको पता ही है। गाइज वैसे इस कैटेगरी में बहुत सारी बाइक आती है, और उसका आपका RS200 हो गई जो किसी की सिबलिंग है, और आपका R15 V4 है अभी जो थोड़ा ट्रेंडिंग में चल रही है, बहुतों को पसंद आ रही है, लेकिन सच बताऊं तो मुझे उतनी खास पसंद नहीं आती वो बाइक। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि बाइक बेकार है, बाइक बहुत अच्छी है, बस मेरे को थोड़ा सा ओवर प्राइस लगती है। हाँ जिसको सिर्फ लुक्स के लिए चाहिए ना गाइस, वो उसके लिए तो भाई बेस्ट गाड़ी है वो, लेकिन जिसको पावर चाहिए, जिसको रॉनेस चाहिए, जिसको थोड़ा गाड़ी भगाने में मज़ा आता है, उसके लिए फिर नहीं बनी R15। टॉप स्पीड अच्छी जाती है, लेकिन टॉप स्पीड कितना ही ले जाओगे आप, कितने बार ले जाओगे, हो सकता है गाड़ी लेने के बाद एक बार ले जाओ, दो बार ले जाओ, या रेस करने जाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 बार ले जाओ, हर वक्त तो टॉप स्पीड नहीं चला पाओगे ना। और गाइज वीडियो कंटिन्यू करने से पहले, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच दोस्तों, और मैं 500 सब्सक्राइबर के बहुत क्लोज हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कॉन्टेंट पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक कॉमेंट ज़रूर से करना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रंट लुक देखोगे तो भाई ने इसका हेडलाइट को ब्लैक रैप करा के रखा है, और आप बोलोगे कि सब फिर दिखेगा कैसे यार सामने रात को, तो कुछ ऐसे दिखेगा ये। इसको ऑन करेंगे, अपने यहाँ लाइट है, ये देखो भाई ने मिनी ड्राइव भी लगा के रखा हुआ है जिससे अपने को रात में भी दिख जाएगा। और ये देखो यार, इसको भी राइट करवाया है, बहुत अच्छा दिखता है सामने से। अब लुक देखो कितना प्यारा दिखता है। इस वीडियो में अपन ज़्यादा स्पेक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, वो तो सबको ही पता होता है कि 25 BHP के पावर है, 18 Nm टॉर्क है। अब अपन बात करेंगे प्योर की, अगर गाड़ी ले रहे हो तो उसके बाद कैसा मॉडिफिकेशन आप करा सकते हो, अगर आपके पास NS200 है तो आप कैसा मॉडिफिकेशन करा सकते हो, इस बारे में बात करेंगे। और दूसरा चीज़ इसका पीछे का लुक, सामने का लुक तो मैंने दिखाई दिया हूँ, अब आते हैं पीछे के लुक पे। देख सकते हो पीछे भी मॉडिफाई हुआ है, इसका टेल टाइडी जो आता है ना इसका, उसको भाई ने निकलवा दिया है। और साइड से लुक दिखाऊं तो कुछ ऐसे से दिखती है गाड़ी, आपका ब्लैक रैप हुआ है और ग्रीन कलर के जो लाइन्स है भाई ने खुद ही से डिज़ाइन किया है इसको, और खुद ही चिपकाया है, कमाल की लगती है यार साइड से। और सस्पेंशन में भी ऐसा कुछ स्टिकरिंग है, देख सकते हो आप एग्जॉर का, इसको बंद कर देता हूँ नहीं तो बैटरी डाउन ना हो जाए भाई। चलो देखो यार गाड़ी क्या दिख रही है, एक और NS BS4 आ गई है अपनी। अब आते हैं गाइस इसके मेन चीज़ पे, जो भाई ने मॉडिफाई करा के रखा हुआ है, लेकिन ये दिखता नहीं है, ये सिर्फ सुनाई देता है, कोई एग्जॉस्ट नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ, आप बस साउंड सुनो उसको। लेकिन सामने में बहुत प्यारा साउंड आता है गाइस, मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ उसका, अलग लग रहा है। बढ़िया भाई, ऐसा आवाज़ तो अगर आप कोई एग्जॉस्ट लगाओगे ना तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है ना, गाड़ी चीखने लगती है, तो वो कानों को अच्छा नहीं लगता। भाई ये बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं है, बेस बहुत ज़्यादा है और कानों को भी सुनने में अच्छा लगता है। और ये था एक छोटा सा वीडियो एक मॉडिफाई NS200 का, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको और कैसे वीडियोज़ चाहिए तो मैं बना दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।